बेटा जो आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो भी एक कंपटीशन लेवल का, इस तरह के न्यूमेरिकल काफी बार कंपटीशन लेवल के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। देखो इसकी स्टेटमेंट क्या बेटा, टू चार्जेस प्लस क्या हो ईच आर कैप्ड टू ए डिस्टेंस अपार्ट, ए थर्ड चार्ज क्या नॉट इज कैप्ड मिडवे बिटवीन टू चार्जेस, क्या नॉट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस पोजिशन, प्रूव दैट क्या नॉट ओसिलेट्स विथ टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ए क्यू बाय 4k क्यू क्यू नोट। देखो बेटा समझो इसके अंदर क्या दिया आपको, आपको दो पॉइंट चार्जेस दिए हैं, इसको मान लिया हमने फर्स्ट, इसको मान लिया हमने सेकंड, दोनों के बीच की सेपरेशन आपके 2a, इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है बेटा उसके सेंटर पे हमने थर्ड चार्ज रख दिया क्यू नोट। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी बेटा a और क्यू नोट से सेकंड की डिस्टेंस होगी आपकी a। आपको कहा है इस क्यू नोट को जब हम स्लाइटली डिस्प्लेस करवाएंगे इसका एसएचएम प्रूव करो और इसका एसएचएम का जो टाइम पीरियड है उसको इसके इक्वल प्रूव करो बेटा। दोबारा से समझो, क्यू नोट को हमने इन दोनों के बीच में रख दिया बेटा, हमने क्यू नोट को स्लाइटली डिस्प्लेस करवाना है, इस क्यू नोट का एसएचएम प्रूव करना हमने, एसएचएम नेचर ठीक है, और दूसरा इस एसएचएम का टाइम पीरियड इस वैल्यू के इक्वल हमने प्रूव करना है बेटा। देखो इसको ड्राइव करते हैं, एक बार अच्छे से समझो। देखो बेटा ये दो पॉइंट चार्जेस थे फर्स्ट और सेकंड, ये इनका सेंटर था बेटा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी 2a, हमने यहां पे रखा था थर्ड चार्ज क्यू नोट, अब हमने थर्ड चार्ज क्यू नोट को धीरे से डिस्प्लेस करवाया टूवर्ड्स द सेकंड चार्ज। अब बेटा इस जो क्यू नोट है वो पॉजिटिव नेचर का है, अब जो सेकंड चार्ज है इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगा बेटा इस डायरेक्शन के अंदर F2, ठीक है, जो फर्स्ट चार्ज है बेटा वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन के अंदर F1, जब ये सेकंड चार्ज बेटा इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इसको रिपेल करेगा रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो ये वापिस आएगा इस डायरेक्शन के अंदर, लेकिन इस पॉइंट पे नहीं रुकेगा बेटा, ये से आगे रुकेगा, इसका रीजन है इनर्शिया, जब ये से आगे जाएगा बेटा कुछ तो अब किसके फ्लो में आ गया बेटा, ये फर्स्ट चार्ज के फ्लो में आ गया, अब इसके ऊपर फर्स्ट चार्ज क्या करेगा ज्यादा फोर्स लगाएगा, फिर ये दोबारा से इस डायरेक्शन के अंदर आएगा बेटा लेकिन यहां पे नहीं रुकेगा, फिर यहां से सेकंड चार्ज फोर्स लगाएगा, यहां से फिर फर्स्ट, ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा बेटा, ये चार्ज कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, ये इसका कैसा नेचर हो गया एसएचएम नेचर, फर्स्ट तो हमने यही प्रूव करना था बेटा। अब देखो यहां पे इस पोजीशन की बात कर रहे हैं, यहां से डिस्प्लेसमेंट कितनी थी बेटा x, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी a माइनस एक्स, फर्स्ट चार्ज से कितनी होगी a प्लस एक्स। देखो बेटा नेट फोर्स ऑन क्यू नोट आफ्टर डिस्प्लेसमेंट इट बाय x, नेट फोर्स कैलकुलेट करना बेटा, जो x है उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है बहुत स्मॉल है और क्यू नोट का नेचर कैसा है बेटा पॉजिटिव, तो नेट फोर्स कितनी होगी बेटा F2 माइनस F1। अब हम निकालते हैं बेटा F2 की वैल्यू, हमें पता है F2 क्या है k क्यू क्यू नोट बाय डिस्टेंस कितनी है a माइनस एक्स का स्केयर बेटा, F1 निकालो k क्यू क्यू नोट बाय इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बनी थी बेटा a प्लस एक्स का स्केयर, यहां से आपका k क्यू क्यू नोट कॉमन आ गया बेटा, ये बच गया आपका 1 बाय a माइनस एक्स स्केयर माइनस 1 बाय a प्लस एक्स स्केयर बेटा, ये आपका एलसीएम आ गया कैलकुलेशन के बाद, यहां पे आ गया आपका a प्लस एक्स स्केयर माइनस ए माइनस एक्स स्केयर बेटा। अब हम यहां पे फार्मूला लगा देंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी का, ए बी का ये कैलकुलेशन की हमने, उसके बाद ए स्केयर से आपका ए स्केयर कैंसिल, एक्स स्केयर से आपका एक्स स्केयर कैंसिल बेटा, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं बेटा इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर कंप्लीट का होल स्केयर, तो यहां पे बेटा आपका आ गया 2ax 2ax, ये हो गया आपका 4ax k क्यू क्यू नोट 4ax बाय a स्केयर माइनस x स्केयर कंप्लीट का होल स्केयर बेटा। अब हमें पता है बेटा जो x है ना वो मच मच लेस देन है a से, x की जो वैल्यू है बेटा a से वो बहुत छोटी है, और अब हमें पता है यहां पे x का वैसे भी स्केयर होगा तो ये वैल्यू और ज्यादा छोटी होगी, तो इसका मतलब हम x को क्या करेंगे नेगलेक्ट करेंगे, यानी a स्केयर माइनस x स्केयर को हम क्या लिखेंगे a स्केयर बेटा। देखो बेटा आपके पास आ गया नेट फोर्स k क्यू क्यू नोट बाय 4 ax बाय a की 4,
ये ए यहां से कैंसिल हो गया बेटा, आपके पास बचती है ए की क्यूब। अब यहां पे एक बात देखो बेटा, जो नेट फोर्स है उसकी डायरेक्शन आपकी ये, और जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा उसकी डायरेक्शन आपकी ये। देखो एज नेट फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट एक्स, सो प्लेस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। देखो बेटा जो नेट फोर्स है ना उसकी डायरेक्शन अपोजिट है डिस्प्लेसमेंट की, जो नेट फोर्स है बेटा उसकी डायरेक्शन अपोजिट है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। देखो अब इसका मतलब जो मैं यहां पे एक्स की वैल्यू थी बेटा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स, क्योंकि हमें पता है जो SHM की कंडीशन क्या होती है बेटा, फोर्स किसके अपोजिट होता है, डिस्प्लेसमेंट के। ये किसकी कंडीशन होती है, नेट फोर्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, माइनस के एक्स। प्लस वन के अंदर आपने इसको अच्छे से स्टडी किया होगा बेटा। और उस SHM का टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है आपका ये, हमने माना जो चार्ज क्या नोट है उसका मास कितना है एम बेटा। अब देखो जो के डैश की वैल्यू क्या होगी, के क्यू क्यू नोट फोर बाय ए क्यूब, ये किसकी वैल्यू होगी बेटा आपकी, के की वैल्यू, क्योंकि हमें पता है ना नेट फोर्स SHM की कंडीशन क्या है, नेट फोर्स किसके अपोजिट होता है, डिस्प्लेसमेंट के। तो ये होगी आपकी के डैश की वैल्यू बेटा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला का हमें पता है टी बराबर है टू पाई अनरूट एम बाय के डैश, फॉर्मूला क्या आपका बेटा, टी बराबर है टू पाई अनरूट एम बाय के डैश। अब यहां पे के डैश की वैल्यू हमने रखनी है बेटा, हमने यहां पे के डैश की वैल्यू रख दी बेटा, ये आपका प्रूव हो गया बेटा SHM का टाइम पीरियड बेटा। इसको हम दोबारा से समझते हैं, हमें दो पॉइंट चार्जेस दिए हैं, इसको मान लिया हमने फर्स्ट, इसको मान लिया हमने सेकंड, दोनों पे प्लस क्या हो नेचर की है बेटा, दोनों पॉजिटिव नेचर के है। हमने इन दोनों के बीच में रखा था बेटा थर्ड चार्ज क्या नोट, उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करवाया हमने सेकेंड चार्ज की ओर बेटा। अब यहां से सेकेंड चार्ज के नजदीक आ गया, तो सेकेंड चार्ज इसको ज्यादा फोर्स के साथ रिपेल करेगा इस डायरेक्शन के अंदर बेटा, और जो फर्स्ट चार्ज है वो फोर्स लगाएगा बेटा इस पे इस डायरेक्शन के अंदर। जब सेकेंड चार्ज बेटा इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये आएगा वापस इस डायरेक्शन के अंदर, लेकिन इस पॉइंट पे नहीं रुकेगा बेटा, ये से थोड़ा आगे की ओर जाएगा। इसका रीजन है इनर्शिया बेटा, मान के चलो यहां तक आया, अब किसके रीजन में आ गए, ये फर्स्ट चार्ज के रीजन में आ गया। अब फर्स्ट चार्ज इस पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, ये दोबारा से मूव करेगा इस डायरेक्शन के अंदर बेटा, यहां पर फिर सेकेंड चार्ज इस पे ज्यादा फोर्स लगाएगा। इसी तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, ये मोशन कंटिन्यू चलता रहेगा। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, SHM बेटा। अब हमने इस पोजीशन पे इसका नेट फोर्स निकाला बेटा, वो आपका F2 माइनस F1 बेटा। F2 की वैल्यू निकाली हमने, F1 की वैल्यू निकाली। मैथमेटिकली कैलकुलेशन के बाद हम पहुंचे बेटा यहां पे। अब हमें पता है जो x है ना वो मच मच लेस देन है a से बेटा, x है जो मच मच लेस देन है a से, और यहां पे तो स्केयर हो गया, ये और भी छोटा हो गया बेटा, इसलिए हम ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर को लिखेंगे ए स्केयर। एक्स स्केयर को हम क्या करेंगे बेटा, यहां पे नेग्लेक्ट करेंगे। आफ्टर मैथमेटिकली कैलकुलेशन के बाद आपका रिजल्ट आ गया बेटा ये। अब हमें पता है बेटा जो नेट फोर्स है वो इस डायरेक्शन के अंदर, वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन के अंदर, मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। नेट फोर्स की डायरेक्शन है बेटा ये, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आपकी ये, इसलिए हम एक्स को की जगह पे पुट करेंगे माइनस एक्स। तो एक्स की जगह पे हमने पुट कर दिया माइनस एक्स, क्योंकि SHM की कंडीशन भी तो यही है बेटा, नेट फोर्स किसके अपोजिट होता है, डिस्प्लेसमेंट के। नेट फोर्स किसके अपोजिट होता है, डिस्प्लेसमेंट के, तो यहां पे भी तो ऐसा ही हुआ है। तो ये सारी टर्म आपकी किसके बराबर होगी, कॉन्स्टेंट के, यानी कि जिसको हमने मान लिया हमने के डैश। और अब हमें टाइम पीरियड का फार्मूला भी पता है बेटा, हमें पता है जो क्यू नोट चार्ज उसका मास क्या है एम, और ये आपकी किसकी वैल्यू होगी, के डैश की। अब हम के डैश की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे बेटा, आफ्टर वैल्यू पुट करने के बाद बेटा आपका टाइम पीरियड आ गया ये, यही तो हमने प्रूव करना था बेटा।